हिमाचल प्रदेश मानसून की वापसी के बाद सूखे जैसे हालात का सामना कर रहा है। लंबे समय से जारी सूखे ने किसानों के बीच अपनी फसलों को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। खाद्यान्न और दूसरी नकदी फसलों की खेती के लिए बारिश बहुत जरूरी है। ऐसे में पिछले 2 महीनों से बारिश नहीं होने से पूरे राज्य में फसल उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। तो परेशानी नहीं, पहले तो मौसम ही नहीं चला। जब मौसम चला थोड़ा बीच में, तो मतलब ज्यादा बरसात हो गई, तो किसानों का तो ऐसा, उसके बाद सूखा पड़ गया थोड़ी। जैसे लोगों ने गोभियां लगाई थी या बीन मटर लगाया था, तो पहले वो जमा ही नहीं, बाद में थोड़ा थोड़ा जमा, वो सूख गया। कुंडलों के हिसाब से लोगों ने बीज डाला, बोले को कुछ मिला नहीं। मौसम कोई 2.5-3 महीने तो बिल्कुल मौसम से क्लियर हो गए, तो अब मौसम के ही निर्भर है सब लोग। अधिकारियों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में लगभग 80% खेती बारिश पर निर्भर है और सिर्फ 20% जमीन पर ही सिंचाई सुविधाएं मौजूद हैं। खुश्क हालात की वजह से बहुत कम संख्या में सिर्फ उन्हीं खेतों में बुवाई हो पाई है जहां सिंचाई की सुविधा मौजूद है। लगभग 20% के इर्द गिर्द जो क्षेत्र है वो सिंचाई युक्त है, और लगभग 80% का जो क्षेत्र है हमारा जो जो असिंचित है, और हम वर्षा पर उस पर निर्भर रहते हैं। अभी कितने परसेंट बुआई हुई है? हम कुल मिलाकर के हिमाचल की एवरेज की बात करें तो लगभग 32-35% तक की जो बिजाई जो है हिमाचल में हो चुकी है। और साल की अपेक्षा में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वक्त थोड़ी कम हुई है, इसलिए क्योंकि पिछली बार इतना लगातार सूखा नहीं रहा था। निराश किसानों का कहना है कि मानसून सीजन के दौरान बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से फसलों को नुकसान हुआ, वहीं इस वक्त बारिश की कमी से फसलें सूख रही हैं। परेशानी एक तो सूखा पड़ा हुआ है जी, दूसरा जो है पहले जब बिजाई की लोगों ने उस टाइम जो बारिश पड़ गई ऊपर से बीज सड़ गया नीचे, वो जमा ही नहीं किसी के, जो कुछ जमा था वो खराब हो गया सूखे में। सूखे से बहुत नुकसान है, सूखे से नुकसान ही हो गया, जीरो रिपोर्ट है। बारिश का इंतजार है। सिंचाई का कोई साधन नहीं। किसान सरकार से खुश्क इलाकों में सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने की अपील कर रहे हैं ताकि आगे और ज्यादा नुकसान को रोका जा सके। मौसम इस बारी बहुत ये हुआ है, पहले तो बरसात ही बहुत चली, उसके बाद एकदम सूखा पड़ गया, तो जिस टाइम फसल लगी हुई थी वो भी सड़ गई उसके बाद, जो सूखे पड़ने के कारण। सरकार से तो यही डिमांड है कि सिंचाई का साधन तो होना चाहिए, वैसे किसान के लिए तो बड़ी दिक्कत है वैसे। हाँ जी, जानकारों के मुताबिक अगर नवंबर के आखिर तक बारिश हो जाती है तो सूखे के असर को कम किया जा सकता है, लेकिन अगर तब तक बारिश नहीं होती है तो फसलों की पैदावार को काफी नुकसान होगा।